हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आनंदी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सर्दियों के सीजन में बहुत सारे पुरुषों में ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी इम्यूनिटी तो कमज़ोर हो ही रही है, साथ ही साथ उनका जो है सेक्स पावर भी कमज़ोर हो रहा है, टाइमिंग कमज़ोर रही है, शीघ्रपतन की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। हमें ऐसे बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा इसी टॉपिक पर जो है कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पर। प्लीज़ आप इस टॉपिक पर नए वीडियो बनाएँ, कुछ ऐसे सरल मतलब कि बहुत ही आसान नुस्खा बताएँ जिसके वजह से हम लोग उसका इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकें। तो ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये सभी मतलब जिन भी ज़रूरतमंद पुरुष भाई हैं उन सभी लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसे आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और इसे आपको कई सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सब लोग अपनी प्रॉब्लम को आसानी तरीके से दूर कर सके। तो आइए गाइस आज की वीडियो शुरू। सीजन में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, सेक्स पावर कमज़ोर हो जाता है, सही से हमारे शरीर के जो पौष्टिक आहार ऐसे विटामिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। और हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आजकल के कई सारे ऐसे नौजवान बच्चे भी हैं, कई सारे लोग ऐसे बड़े लोग भी हैं जो कि मोबाइल में या लैपटॉप में ज़्यादा बिजी रह जाते हैं, तो जो है अपने खान पान पर भी ऐसे मतलब ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, मतलब लेट भी हो जाता है खाने में, तो घर का शुद्ध पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, बाजार से से कुछ भी मिला उसको खा के मतलब अपनी भूख को मिटा लेते हैं, तो वो भी हमारे इस मतलब सेहत पे बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। तो हम आपको यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाले हैं जो कि इसे आपके पूरे बॉडी के लिए साथ ही साथ पूरे हेल्थ के लिए बड़े मज़ेदार काम करने वाला है। ये बहुत ही सिंपल सा नुस्खा मैं आपको बताऊँगी जो कि जैसे कि आपको लेना है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, लहसुन एक ऐसा चीज़ है जो कि इसमें कई सारे विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कई सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, सेहत हमें अगर अच्छा रखना है, अगर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, अपने सेक्स पावर को अगर आप चाहते हैं कि आपके सेक्स पावर अच्छे से बनी रहे, तो आप लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि अगर आपके अंदर जोश बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपके पेट जो बहुत ही जल्दी ढीला पड़ जाता है, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, टाइमिंग बहुत ही कम है, या फिर जो आपका वीर्य की जो क्वालिटी बहुत ही पतलापन है, मिलेंगे फायदे। नंबर वन, किससे आपके सेक्स पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी, आपको अंदर से जोश आएगा, परफॉर्मेंस लंबे समय तक करेंगे, आपके वीर्य की क्वालिटी चेंज होगी, ठीक है, और इसे आपको ताकत भरपूर मिलेगा, थकान कमजोरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे कि बहुत लोग करने के बाद क्या होता है कि बहुत ही जल्दी उनको हरारत, घबराहट, हाथ पैर में कांपने लगता है, झनझनाहट होने लगती है, ऐसे एकदम शरीर सुस्त हो जाता है, मन करता है कि बस सो जाएं चुपचाप ना, तो ऐसे में आपको ये अगर लहसुन खाते हैं तो आपको ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी बात है, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, समय से पहले जिनका बाल सफ़ेद होता है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि जिनका पाचन खराब है या फिर उनकी जिनकी पोटी साफ नहीं होती, ब्लड निकल रहा है, या फिर जैसे कि जिनको कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज, हार्ट, ऐसे लीवर, कई सारे से अगर उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से लहसुन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि गैस आपको 10 से 15 कली लहसुन को अच्छे से छीलकर उसके छिलके को साफ कर लेना है, और उस लहसुन की कली को आपको जैसे कि अगर आपके घर में देसी घी है, देसी घी में उस लहसुन की कली को अच्छे से गैस पर रखकर भून लें। भूनना तब तक है जब तक लहसुन की कली पूरी तरीके से लाल ना हो जाए, ठीक है। भून के क्या करना है कि किसी अच्छे से बॉटल में भर के जो घी में भून के रखें उसी तरीके से आपको लहसुन और घी दोनों एक ही में रख करके भर के रख देना है। आप इसको खाना कैसे कि रोजाना सुबह जब भी आप ब्रश करते हैं तो उसमें से 2 से 3 लहसुन की कली निकालना है और उसको खा जाना, यानी कि जब तक उसमें का लहसुन की कली है तब तक उसमें से आपको घी निकालना नहीं है। भून के रखिए, रोजाना सुबह आपको बासी मुँह ही खाना है, खाने के बाद आपको गुनगुना पानी पीना है, इस बात का ध्यान दें। जब आप खा के पूरा सम्प्लीट कर दें तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसको आप रोटी पे या चपाती पे या पराठा पे किसी भी तरीके से उसको लगा के खा सकते हैं, बच्चों को भी वो अलग घी खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, अपने लाइफ में एंजॉय करते रहें। लव यू।